हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलते ही अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का मुखिया सुक्खू झूठ बोलने में माहिर है, क्योंकि अपनी सरकार के होते हुए कांग्रेस मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन अब 5 माह में बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी ले ली है तो कांग्रेस छटपटा रही है। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं और कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र के प्रोजेक्टों को रुकवाने का काम किया है और आज तक नकारात्मक राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज से लेकर झूठ बोलने तक सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के आज तोड़े हैं। मुझे नहीं पता कांग्रेस झूठ के कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। फेक न्यूज से लेकर झूठ बोलने तक कांग्रेस ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जब कांग्रेस का मुखिया ही झूठ बोले तो उस पार्टी कितनी झूठ बोलती होगी इससे अंदाजा लगता है। अपनी सरकार में तो कोई क्लीयरेंस कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नहीं करवा पाए, ना मंजूरी दिला पाए। जब हमने 5 महीने लगातार दिन रात एक करके मंजूरी दिला दी, हमीरपुर के लिए 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज ले आए, इस महीने उसका उद्घाटन करवा देंगे, तो कांग्रेस को दर्द किस बात का है? इस बात का है कि हमीरपुर में इस प्रदेश के बच्चे डॉक्टरी की और नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि मैंने एम्स अस्पताल बिलासपुर के लिए मंजूर करा दिया, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए मंजूर करवा दिया। क्या कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि मैंने PGI अस्पताल ले आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आया, ये सारे प्रोजेक्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तक सब कांग्रेस ने रुकवाने का ही काम किया था। आंकड़े दिखाते हैं, कांग्रेस का 5 वर्ष का कार्यकाल दिखाता है कि कांग्रेस ने केवल नकारात्मक राजनीति की है, सत्ता में भी और अब विपक्ष में भी वही कर रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नाहन, चंबा और हमीरपुर में एक साथ कॉलेज खुलने थे, लेकिन भाजपा ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर राजनीति की जिससे कि कॉलेज नहीं खुल पाया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय में ही नाहन, चंबा और हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली थी। अनुराग ठाकुर जी 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, अच्छे अच्छे उद्योग उन्होंने छुआ है, प्रदेश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, लेकिन जहाँ मेडिकल कॉलेज के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है वो सच्चाई पे आधारित नहीं है। उनको मान लेना चाहिए कि ये पूरा कॉलेज जो है वो माननीय प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के साथ माननीय उस वक्त की जो UPA की सरकार थी उसके इसमें जो हिमाचल में 3 मेडिकल कॉलेज जैसे चंबा, नान, उसके बाद हमीरपुर में मिला था, और उस वक्त 190 करोड़ रुपया जो था इसके लिए जो है पैसों का प्रावधान भी था। इस बीच इनकी जो केंद्र में सरकार आ गई, केंद्र में सरकार आने के बाद NGT का जो उनका जो केंद्रीय सरकार का जो जो उनका फंडिंग थी उसके लिए इसकी ज़मीन की तलाश करने के लिए, और उसको ना हो, वो टाइम पे ना हो, क्या वजह है कि अगर चंबा और नान में चल पड़े तो हमीरपुर में क्यों नहीं चला, क्या वजह रही? वही केंद्र सरकार हमीरपुर और चंबा में के लिए थी, केंद्र में वही चंबा और नान में ले थी, वही हमीरपुर के लिए थी, वही शिमला में थी। तो मेरा मानना है कि ये सच्चाई से परे है, ये जानबूझ के केंद्र में जब ये लोग सत्ता में थे इसके कार्यकाल इसके क्षेत्र में इसका कॉलेज मेडिकल कॉलेज आता था और इसकी जो अपने वो अपने जिले में आता था, इनको चाहिए था कि ये अपने उसकी अपनी जो राजनीतिक पहुंच है उसको जल्दी करने पूरा आगे करते और उसको जल्दी से जल्दी सबसे पहले पूरा कराते, जबकि आज उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और इसको पूरा कराने के लिए फेल हुए हैं।